हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है, मई का पार्ट टू आज हम कर रहे हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर वन, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की PDF एज यूजल हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिड्यूस द थ्रेश होल्ड ऑफ द टर्न ओवर ऑफ द कंपनीज दैट आर मैंडेटेड टू जनरेट ई वॉइसिंग फॉर ऑल बी टू बी दैट इज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन ₹2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023। सो यहाँ पे जो आपके थ्रेश होल्ड लिमिट है वो आपकी कम कर दी गई है। कितना कर दी गई है? इट इज योर 5 करोड़। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। और पहले ये लिमिट कितनी थी? तो 10 करोड़ की ये लिमिट हुआ करती थी। अब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो एज इट इज जैसा मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन दी डेट कि कब से ये इफेक्ट में आएगा। थर्ड क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि पहले कितनी लिमिट थी, तो 10 करोड़ थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनएसई इंडिया दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया हैज लॉन्च द रूपी डिनोमिनेटेड न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज वेस्ट टेक्सा इमीडिएट दैट इज WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फीचर कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट हु इज अ करंट MD एंड CEO ऑफ NSE इंडिया। सो NSE इंडिया जो है इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1992 में। और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेट है? इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके करंट MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? इनका नाम भैया है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डायरेक्टेड ऑल इंश्योरर्स, इंश्योरेंस आपका क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उन्हें इंश्योरर भी बोला जाता है, टू प्रोवाइड अ फुल इंश्योरेंस कवरेज फॉर सेरोगेसी। सो आंसर हेयर इज क्या होगा? आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके हेड कौन है? सो हेड आपकी होती है IRDAI। तो IRDAI ने यहाँ पे जो है डायरेक्शंस दी है कि आपको इमीडिएट इफेक्ट से ही जो फुल इंश्योरेंस कवरेज है वो देना होगा फॉर द सैरोगेसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैरोगेट मदर्स होती हैं या आप बोल सकते हो ओसाइट डोनर्स होते हैं, उनको कौन से प्रोविजन के या कौन से एक्ट के तहत यहाँ पे ये चीज कही गई है कि आपको फुल इंश्योरेंस कवरेज देना होगा? तो ये एक्ट आपके सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज ART एक्ट 2021 के तहत यहाँ पे ये जो है आपका डायरेक्शन जो है वो दी गई है बाय द IRDAI। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, रिसेंटली इन मे द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टोटल प्रॉफिट रीच ₹1,04,649 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैड द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ विद 126% टू ₹2,602 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से बैंक का है यहाँ पे? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय यूको बैंक, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जो पंजाब नेशनल बैंक है इसको भी फायदा हुआ है। बट अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इसके जो इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, या बोल सकते हो इट इज ओनली 27%। ठीक है, वेयर एज यूको बैंक को जो है 100% यहाँ पे जो है प्रॉफिट देखा गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 94% एंड आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 59% यहाँ पे जो है प्रॉफिट देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितने आपके पब्लिक सेक्टर बैंक जो है अभी करंटली वर्क कर रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कितने हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ IIT कानपुर साइन एन MOU विद विच बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट SIIC। ठीक है, सो कौन से बैंक के साथ ये MOU साइन किया गया है? बाय द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, येस बैंक के साथ ये जो है MOU साइन किया गया है। अब MD एंड CEO कौन है येस बैंक के? तो इनका नाम क्या है? प्रशांत कुमार। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है एंड इसकी टैगलाइन जो है वो पूछी जा सकती है, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। ठीक है, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द RBI बोर्ड अप्रूव ट्रांसफर ऑफ ₹10 करोड़ एज सरप्लस टू द गवर्नमेंट एट द 602nd RBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। सो RBI के जो सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, जिसके चेयरपर्सन आपके जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास,
वो थे, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कितना एलोकेशन दिया है गवर्नमेंट को, सरप्लस एलोकेशन, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज योर 87,416 करोड़, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है कि ये कंटिजेंसी रिस्क बफर जो है वो इंक्रीज करेंगे, इसे कितना कर दिया है इन्होंने, 6% कर दिया है, और पहले ये 5.5% आपका हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट इज, विच म्यूचुअल फंड फर्म रिसेंटली इन मे लॉन्च अ ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम बिजनेस साइकिल फंड। सो इनमें से कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड फर्म है जिसने लॉन्च किया है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जिसका नाम क्या है, बिजनेस साइकिल फंड। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्वांट म्यूचुअल फंड, और इस स्कीम का नाम क्या है, क्वांट बिजनेस साइकिल फंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ मेटा कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेस एंड कंज्यूमर अहेड ऑफ ओएनडीसी, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज डन बाय द पे नियर बाय, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी है, पे नियर बाय, जिसे 2016 में जो है सेटअप किया गया था, ठीक है, अप्रैल 2016 में इसे सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है आनंद कुमार बजाज। क्या नाम है इनका, आनंद कुमार बजाज, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड, सब्सिडी जो है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है साइन की है, किस चीज के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ ड्रोन्स, ठीक है। तो कौन सी कंपनी के साथ की है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गरुड़ा एरोस्पेस के साथ। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो फर्स्ट ईयर होगा इस पार्टनरशिप का उसमें ये अराउंड 5,000 जो ड्रोन्स है उसको इन्होंने प्लान किया है कि उसे डेवलप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका गरुड़ा एरोस्पेस है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ये कहाँ लोकेटेड है, इन दी चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। वेयर इज जो आपका नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इसका हेडक्वार्टर आपका जो है प्रयागराज में है, ठीक है, कहाँ पे, प्रयागराज में। और इसके जो आपके सीईओ है, ठीक है, नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, आर आर ठाकुर। क्या नाम है इनका, आर आर ठाकुर। और गरुड़ा एरोस्पेस के कौन है, अग्निश्वर जयप्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे आरबीआई अनाउंस दैट द बैंक्स आर सेट टू कमेंस अ 100 डेज 100 पेज कैंपेन टू ट्रेस एंड सेटल द टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स ऑफ एवरी बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विद इन अ 100 डेज, द बैंक विल कमेंस द कैंपेन ऑन। तो ये जो कैंपेन है ये कब स्टार्ट किया जाएगा, तो ये आपका स्टार्ट होएगा 1 जून से, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जून 2023 से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर हैदराबाद, दैट इज IAMC हैदराबाद हैज साइंड अ MOU विद द एनर्जी डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन सेंटर EDAC इन डैश टू ग्लोबली प्रमोट आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो EDAC है, दैट इज एनर्जी डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी तुर्की, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। और EDAC के चेयरमैन कौन है आपके, इनका नाम क्या है, सुलेमान बोस्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डमैन सैच इंक्रीज द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट टू -% फॉर कैलेंडर ईयर 2023 फ्रॉम 6% अर्लियर। तो पहले प्रोजेक्शन कितनी थी इसकी, 6% थी, अब इसे इन्होंने इंक्रीज करके 6.3% कर दिया, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो गोल्डमैन सैच है ये कौन से कंट्री की जो है कंपनी है, तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, जिसका इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज जॉइंड हैंड्स विद अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू प्रोवाइड टैक्सी सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑन अ पायलट बेसिस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द ऊबर, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है बाय द ऊबर, ठीक है। अब ऊबर के सीईओ यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ऊबर इंडिया के सीईओ, इनका नाम क्या है, प्रभजीत सिंह, ठीक है। क्या नाम है इनका, प्रभजीत सिंह, ठीक है। वैसे ही अमेरिकन कंपनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछा जा सकता है, उबर जो है वो कौन सी कंट्री की कंपनी है, ये कौन से कंट्री बेस्ड कंपनी है, तो आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका या फिर USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW स्टील लिमिटेड फॉर्म्स जॉइंट वेंचर कंपनी विद द JFE स्टील कॉर्पोरेशन टू मैन्युफैक्चर CRGO, दैट इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। क्या इसका फुल फॉर्म है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। जो बेसिकली इसकी जो फैसिलिटी है वो कहाँ पे लगाई जाएगी, विजयनगर कर्नाटका में। द JFE इज अ सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ विच कंट्री। सो कौन सी कंट्री की ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इट इज दी
कंपनी ऑफ जापान। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये चीज ध्यान में रखना है। और ये पहला ऐसा जॉइंट वेंचर है जो प्रोड्यूस करेगा आपका कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ 141.12 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया है, अप्रूव किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज अ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, मसत्सुगु असकावा, आप सभी को पता है। ठीक है, असकावा। एंड इसका है आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में। ठीक है, मनीला इन फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे आरबीआई इशू एन एडवाइजरी टू बैंक्स टू एंश्योर कंप्लीट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम LIBOR दैट इज लिबोर एंड MIFOR फ्रॉम डैश। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 जुलाई 2023 से यहाँ पे जो है इन्होंने क्या बोला है कि ये एंश्योर करें कि इनको जो ट्रांजेक्शन जो है इनकी वो कंप्लीट होनी चाहिए टिल दी 1 जुलाई 2023। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे लिबोर और MIFOR क्या है। सो लिबोर क्या होता है, बेसिकली ये आपका एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है जिस रेट पे जो जैसे इंडिया के जो कंपनीज हैं वो अगर लोन लेते हैं या इंडिया किसी से लोन लेता है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, जैसे यूएस की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट केस एक आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है कि इस इंटरेस्ट रेट पे जो है आपको लोन दिया जाएगा। वैसे ही अगर इंडिया से कोई लोन लेगा, इन दैट केस ये इंटरेस्ट रेट जो है ये कौन सेट करेगा, या इस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलेंगे, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटरेट। ठीक है, आउटराइट रेट। ठीक है, समझ आया। अगर इंडिया अगर किसी को लोन देगा तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट होगा जो सेट किया होगा वो कहलाएगा MIFOR। वेरस अगर फॉरेन कोई कंट्री दे रही है या फॉरेन कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो उस केस में ये कहलाएगा LIBOR। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ग्रांटेड रुपीज 51 करोड़ टू सेटअप एन इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम इन शिमला एंड नूरपुर इन हिमाचल प्रदेश एंड डेवलप दी पालमपुर शीला चौक इन कांगड़ा HP दैट इज हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये अलॉटमेंट दी गई है बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें से 49 करोड़ जो है वो लगाया जाएगा आपका शिमला नूरपुर का जो आपका रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम है उसमें, एंड 9 जो करोड़ है आपका ये यूज किया जाएगा इन दी पालमपुर शीला चौक जो आपका डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IRDAI फॉर्म्स द डैश मेंबर कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रतिमा मूर्ति टू एडवाइस ऑन अ मेंटल हेल्थ कवर। सो रिसेंटली यहाँ पे जो है 5 मेंबर की ये कमेटी जो है बनाई गई है, जिसके चेयर कौन होंगे, जिसके चेयरमैन चेयरपर्सन है प्रतिमा मूर्ति, जो डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की, जो आपका लोकेटेड कहाँ पे है, इन दी बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर हम IRDAI की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है देवशीष पांडा, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप सभी को पता है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, और चेयरपर्सन कौन बताया हमने, देवशीष पांडा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंट्री दैट बिकम्स इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 आफ्टर US UAE। अब US और UAE के बाद थर्ड आपकी कौन सी कंट्री बनी है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया की, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज द नीदरलैंड। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नीदरलैंड। अब यहाँ पे इसके अलावा आपको नोट क्या करना है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू नीदरलैंड जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 48% इंक्रीज हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2023, जो लास्ट ईयर या आप बोल सकते हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो था 2022 का, इसमें ये आपका जो है कितना था, 12.5 बिलियन था, वेरस अभी ये कितना हो गया है, 18.52 बिलियन। तो ये आपका 48% जो है इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टॉक एक्सचेंज दैट रिसेंटली मे हैज रीलॉन्च सेंसेक एंड बैंकेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो है रीलॉन्च किया है सेंसेक को और बैंक एक्स को। ठीक है, इसके जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें इन्होंने रीलॉन्च किया है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, इसके MD एंड CEO जो आपके रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो है वो अपॉइंट किए गए थे, तो इससे रिलेटेड आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है, हु इज द MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और अ BSE। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनका नाम है सुंदरा रमन रामामूर्ति। क्या नाम है, सुंदरा रमन रामा मूर्ति। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आवर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड दैट प्लान्स टू इन्वेस्ट इन द डिफेंस सेक्टर। सो इनमें से कौन सी ऐसी आपकी कंपनी है, ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी है जो बेसिकली आपका इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, और ये पहली ऐसी कंपनी बन रही है जो आपका इन्वेस्ट करेगी डिफेंस सेक्टर में। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हियर इज HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अगर हम बात करें MD & CEO की, ठीक है, MD & CEO कौन है इसके, इट इज नवनीत, क्या नाम है इनका, नवनीत मुनोत, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे जोमैटो हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन UPI सर्विसेज कॉल्ड जोमैटो UPI। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिसेंटली जोमैटो ने जो है कोलैबोरेशन किया है आपका ICICI बैंक के साथ। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ICICI बैंक जो है इसके आपके MD & CEO कौन है, इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी, क्या नाम है, संदीप बख्शी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका यहाँ पे लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। वेयर एज अगर हम जोमैटो की बात करें, जोमैटो का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा में। और इसे लॉन्च किया गया था 2010 में, तो लॉन्च डेट भी आपको पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, दीपेंद्र गोयल, क्या नाम है इनका, दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एट डैश इन 2024। सो यहाँ पे रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने जो है एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट एज अ मिड 2023। सो यहाँ पे इन्होंने 2024 के लिए यहाँ पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट की है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.7% इन्होंने प्रिडिक्ट की है 2024 के लिए। वेयर एज यहाँ पे 2023 के लिए इन्होंने प्रिडिक्शन दी है 5.8% की, ठीक है। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, सो इसी में इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था ग्लोबल इकोनॉमिक के लिए, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी की, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 2023 की यहाँ पे उन्होंने जो है मेंशन की थी 2.3% इकोनॉमिक ग्रोथ, वेयर एज 2024 के लिए बात करें तो इन्होंने 2.5% की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे बताई है एज पर दिस रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द RBI रिसेंटली इन मे नोटिफाइड द विड्रॉल ऑफ ₹2,000 denomination bank notes from the circular and directed banks to stop issuing the notes. The last date to deposit or exchange ₹2,000 bank note is dash. So last date क्या है आपकी जो आप 2000 का note deposit या exchange करा सकते हो, so answer यहाँ पे आपका हो जाएगा that is 30 September 2023 तक इसकी last date है। अब यहाँ पे आपको ये question भी पूछा सकते हैं कि 2000 के note जो है वो कब introduce किए गए थे, तो 2016 में इसे introduce किया गया था November में। And एक और चीज कि इसकी लिमिट कितनी है जो आप अभी एक्सचेंज करवा सकते हो, तो मैक्सिमम जो है कितना अमाउंट आप एक्सचेंज करवा सकते हो, तो 20,000 का जो अमाउंट है वो आप एक्सचेंज करवा सकते हो भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली मे हैज लॉन्च अ CVV लेस पेमेंट फॉर टोकनाइज्ड कार्ड। सो रिसेंटली इसे लॉन्च किया है रुपे ने, और रुपे को किसने डेवलप किया है, NPCI ने, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब NPCI जो है इसके MD & CEO पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, दिलीप अजपे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट करना है जो वीजा आपकी कंपनी है, वीजा ने भी सेम चीज जो है लॉन्च की थी अभी मई के मंथ में ही, इसे स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन मे द IRDAI फॉर्म्स डैश मेंबर्स टास्क फोर्स टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग KYC यूजिंग आधार विच इज हेडेड बाय राकेश जोशी। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने मेंबर्स की कमेटी या बोल सकते हो टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके हेड कौन है, राकेश जोशी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 12 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, रिसेंटली IRDAI ने 12 मेंबर्स का जो है टास्क फोर्स बनाया है टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ डूइंग KYC यूजिंग आधार विच इज हेडेड बाय होम, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो राकेश जोशी इसके हेड है, फाइन। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद NPCI टू इंटीग्रेट रुपे क्रेडिट कार्ड्स विद अ UPI। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने NPCI के साथ पार्टनरशिप की है इंटीग्रेट करने के लिए रुपीआई पे क्रेडिट कार्ड विद द UPI, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज द
गूगल पे। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गूगल पे। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है अल्फाबेट का? तो ये आपका यूएसए में है, कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द लाइव वीडियो कॉलिंग सर्विस एंड लाइव वेब चैट फैसिलिटी फॉर देयर कस्टमर्स। सो अपने कस्टमर्स के लिए इनमें से कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने ये सर्विसेज जो है वो लॉन्च की है? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे लॉन्च किया है, और इसी के साथ ये पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाता है जिसने इस टाइप के सर्विसेज अपने कस्टमर्स को जो है प्रोवाइड की है। ठीक है, अब यहाँ पे एमडीएन सीईओ की बात कर लेते हैं। एमडीएन सीईओ कौन है? इनका नाम है एट प्रेजेंट, कौन है? संजीव चड्ढा। ठीक है, संजीव चड्ढा इनका नाम है। बट रिसेंटली आपने न्यूज में भी देखा होगा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इन्होंने नए एमडीएन सीईओ जो है अपॉइंट किए हैं, जिनका नाम क्या है? देवदत्ता चंद। क्या नाम है? देवदत्ता चंद। ठीक है, अब इनका जो आपका टेन्योर है ये आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो करेंटली जो पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वो संजीव चड्ढा होगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा न्यू अपॉइंटमेंट की गई है तो फिर आपका देवदत्ता चंद आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड टू एक्वायर 9.99% स्टेक इन विच बैंक। सो रिसेंटली आरबीआई ने एसबीआई फंड मैनेजमेंट को जो है अप्रूवल दिया है एक्वायर करने के लिए 9.99% स्टेक कौन से बैंक में? सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक में, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट है इन्होंने कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया है एचडीएफसी बैंक में? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, या अप्रूवल कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दी है इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द बैंक दैट हैज कोलैबोरेटेड विद द रेड हैट टू रीडिफाइन मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है इस कंपनी के द्वारा? तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? इट इज द यस बैंक। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। एमडीएन सीईओ आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली डिस्कस किया, प्रशांत कुमार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ 7 एनबीएफसीज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनबीएफसी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो मुंबई महाराष्ट्र की बेस्ड कंपनी है, इसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा आपके कौन सी कंपनीज हैं? के पटेल फाइनेंस लिमिटेड ग्वालियर एमपी, पूर्वी फिनवेस्ट लिमिटेड बिलासपुर छत्तीसगढ़, नेक्स्ट इज ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपकी जो कंपनीज हैं ये तीन कंपनीज होगी, बाकी चार कंपनीज आपकी हैं कॉर्क टी कंपनी लिमिटेड, त्रिमूर्ति फिनवेस्ट लिमिटेड, जेवी मोदी सिक्योरिटीज, जेनफिन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है 14 एनबीएफसीज ने अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो सरेंडर किया है किसे? आरबीआई को। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप आराम से सारे जो कंपनीज हैं इनका लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रिस्क डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल ट्रेडर्स फॉर ट्रेडिंग इन एन इक्विटी फीचर्स एंड ऑप्शंस, दैट इज एफ एंड ओ सेगमेंट। द फ्रेमवर्क वुड बी कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो कब से इसे जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये इफेक्ट में कब से आएगा? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 जुलाई 2023 से इसे इफेक्ट में लाया जाएगा। ठीक है, अब जो सेबी है, सेबी के चेयरपर्सन कौन है? मदाबी पुरीबुज, आप सभी को पता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन मे टाइड एंड ट्रांसक्रॉप इंटरनेशनल लिमिटेड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज RPVC रुपे कार्ड, अलॉन्ग विद द NPCI एंड MCT कार्ड्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। टाइड इज अ फिनटेक कंपनी ऑफ विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री की ये फिनटेक कंपनी है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज अ यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी। ठीक है, यूके की ये कंपनी है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको नोट करना है टाइड इंडिया के सीईओ कौन है? इनका नाम है गुरजोत पाल सिंह। ठीक है, वेयर इज ट्रांसकॉप की बात करें, ट्रांसकॉप इंटरनेशनल के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोपाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द प्लेटफॉर्म दैट हैज इंट्रोड्यूस बॉन्ड इन्वेस्टिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर। सो इनमें से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इंट्रोड्यूस किया है बॉन्ड इन्वेस्टिंग, ठीक है, ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे जो है इंट्रोड्यूस किया है
पेटीएम मनी ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट इज दी पेटीएम मनी, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है वरुण श्रीधर। ठीक है, क्या नाम है इनका? वरुण श्रीधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्मॉल कैप फंड इन अ यूलिप, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट, विद एम ऑफ अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फॉर द कस्टमर्स। सो अपने कस्टमर्स के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? इंडिया का पहला स्मॉल कैप फंड, ठीक है, इन अ यूलिप। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने इसे जो है लॉन्च किया है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस का? तो आंसर आपका है क्या है? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनका नाम है तरुण चुग। ठीक है, क्या नाम है? तरुण चुग। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? बजाज एलियांस लाइफ स्मॉल कैप फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च उद्योग प्लस एंड इनोवेटिव वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है उद्योग प्लस को? सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाय दी आदित्य बिरला फाइनेंस, जो आपका सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की। ठीक है, आंसर क्या है आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ श्योरिटी बॉन्ड बीमा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो इनमें से कौन सी ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने इसे लॉन्च किया है श्योरिटी बॉन्ड? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाय दी SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए, SBI जनरल इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, एमडी एंड सीईओ कौन है? किशोर कुमार पोलुदासु। ठीक है, किशोर कुमार पोलुदासु। ठीक है, एंड टैगलाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। ठीक है, सुरक्षा एंड भरोसा दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, श्योरिटी बॉन्ड बीमा जो है, ये दो टाइप के बॉन्ड यहाँ पे रिलीज किए गए हैं, एक आपका है कंडीशनल, ठीक है, दूसरा है अनकंडीशनल। तो कंडीशनल वाला क्या है? इसमें जो बेनिफिशियरी है उसे स्पेसिफाइड सम कब दिया जाएगा, स्पेसिफाइड अमाउंट कब दिया जाएगा? जब कंडीशनल फुलफिल होगी। ठीक है, वेयर एज अनकंडीशनल में उल्टा है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है और जब बेनिफिशियरी चाहे वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, उसको जो है और जो उसका मनी होगा वो विदाउट एनी कंडीशन दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, प्लोश हैज लॉन्च ONDC फोकस्ड पेमेंट सॉल्यूशन, जिसका नाम है नोट पे। ठीक है, क्या नाम है इसका? नोट पे, इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक। सो इनमें से कौन से बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने लॉन्च किया है नोट पे? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IDFC फर्स्ट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है, एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? MD एंड CEO का नाम है इनका वी वैद्यनाथन। ठीक है, वी वैद्यनाथन। और यहाँ पे जो पोच है, इनका टारगेट क्या है? मोर देन 10,000 जो यहाँ पे सेलर्स हैं उनको ONDC प्लेटफॉर्म पे ये लाएंगे। ठीक है, ये इनका टारगेट है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अ PayPal टू प्रोवाइड अ ग्लोबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन फॉर बिजनेसेस इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है PayPal के साथ? सो आंसर हेयर इज CC Avenue, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, CC Avenue। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी फॉर अ POS, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इट वॉज लॉन्च बाय द एक्सिस बैंक, जिसके MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, वेरेस इसकी अगर टैगलाइन की बात करें तो बढ़ती का नाम जिंदगी। MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी बन सकता है, दैट इज कि रिसेंटली एक्सिस बैंक ने जो है डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर आपका क्या है? इट इज अ सारथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ फ्यूचर बैंकर 2.0 इन एसोसिएशन विद द मणिपाल ग्लोबल एकेडमी ऑफ BFSI, दैट इज BFSI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ठीक है, कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है फ्यूचर बैंकर्स को 2.0 को? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाई दी HDFC बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने, जिसके CEO कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन, MD एंड CEO। ठीक है,
हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, तो जो ये प्रोग्राम है ये आपका 8 मंथ का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें जो है ये पेड इंटर्नशिप रहेगी। ठीक है, इट इज अ पेड इंटर्नशिप जो HDFC के ब्रांचेस जो है इंडिया में वहाँ पे ये कराई जाएगी। और जब ये कोर्सेज इनके कंप्लीट हो जाएंगे या ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा इन अ सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग, जो इनकी जॉब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जो आपका डिप्लोमा है ये कौन प्रोवाइड करेगा? मणिपाल ग्लोबल अकेडमी। ठीक है, मणिपाल ग्लोबल अकेडमी ऑफ अ BFSI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द SBI's ECO रिपोर्ट इंडिया GDP ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू डैश इन अ Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा Q4 की यहाँ पे GDP एक्सपेक्ट जो है प्रोजेक्ट की गई है 5.5%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको नोट करना है इंडिया की जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023 की, ये प्रोजेक्ट की गई है 7.1%। किसकी वजह से? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, जो इसमें ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, इसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट इज, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय मॉर्गन स्टैनले, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है और ये आपकी एक अमेरिकन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है या फाइनेंशियल सर्विस कंपनी आप बोल सकते हो। ठीक है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट -% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ ओवर 2023-2024। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है इंडिया इन अ ग्लोबल GDP ग्रोथ ओवर द 2023-2024। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज 16%। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16%। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली मे द इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA पार्टनर्ड विद AISC। AISC क्या है? एशियन आयरन एंड स्टील काउंसिल। ठीक है, फॉर द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ स्टील सेक्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन की शुरुआत आपकी की गई थी 2014 में, ठीक है, अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है दिलीप ओमन। ठीक है, क्या नाम है इनका? दिलीप ओमन। और ये CEO जो है, ये CEO भी है आपके एसलर मित्तल निपॉन स्टील के। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आवर क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे सेबी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 21 मेंबर इंटरमीडियरी एडवाइजरी कमिटी चेयर्ड बाय डैश। सो रिसेंटली सेबी ने जो है 21 मेंबर इंटरमीडियरी एडवाइजरी कमेटी जो है फॉर्म की है। अब इसके हेड किसे बनाया गया है? एस रविंद्रन को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एस रविंद्रन को इसका इस कमेटी का हेड बनाया गया है, एडवाइजरी कमेटी का। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है, जो एस रविंद्रन है ये आपके फॉर्मर, ठीक है, ही इज अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। ठीक है, ये आपके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी भी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे स्टेटमेंट आ गई आपको कि सेबी ने 21 मेंबर जो है एडवाइजरी कमेटी बनाई है, जिसके हेड बनाए गए हैं एस रविंद्रन। अब क्वेश्चन बन जाएगा, ही इज अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द बैंक दैट साइन एन अग्रीमेंट विद द इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ICCL एज इट्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एज इट्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक? सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन बैंक। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। और इसके CEO कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है शांतिलाल जैन। ठीक है, क्या नाम है? शांतिलाल जैन। वेयर इज ICCL जो है आपका इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? देविका शाह। ठीक है, क्या नाम है? देविका शाह। नाउ नेक्स्ट इज, द TCS लेड कंसोर्टियम बैग्स ₹- crore BSNL कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 4G डेवलपमेंट। सो रिसेंटली कितने अमाउंट का यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 15,000 crore का। ठीक है, अब जो TCS लेड कंसोर्टियम है इसमें कौन कौन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं? तेजस नेटवर्क लिमिटेड, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड सेंट्रल PSU और ITI लिमिटेड। ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इस कंसोर्टियम में आ जाती हैं, जो बेसिकली हेल्प करेंगे किस चीज के लिए? 4G डेवलपमेंट ऑफ BSNL। ठीक है, अब ये जो है, ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसकी डेडलाइन भी दी है कि आपको ये फिक्स करना है बाय द August 2023। एंड 5G का अगर बात करें तो ये बाय द एंड ऑफ आपका 2023 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की ही डेडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. रिसेंटली इन मे द आरबीआई अपॉइंटेड द वॉलेंट्री एमलगेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बैंक दैट विद द कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक. जो कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है इंडिया का. ठीक है, अगर फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट आपका अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक कौन सा है, इट इज योर सरस्वत. ठीक है, सरस्वत कॉर्पोरेटिव कॉर्पोरेटिव बैंक ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट अर्बन कॉपरेटिव बैंक है. वापस क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे एमलगेशन किया गया है, ठीक है, मर्जर किया गया है. अब यहाँ पे कौन सा बैंक है, तो आंसर आपका हो जाएगा मराठा सहकारी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, मुंबई. ठीक है, मुंबई बेस्ड ये आपका सहकारी बैंक था जो अब कन्वर्ट कर दिया गया है इन दी कॉस्मोस कॉपरेटिव बैंक. इसकी टोटल आपकी जो है 7 ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिन्हें अब कॉपरेटिव कॉस्मोस कॉपरेटिव बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कर दिया गया है फ्रॉम दी 29th of May. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, नेम दिस बैंक दैट हैज एमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट दैट इज एनपीए मैनेजमेंट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2023, या जिसे आप बैड लोन भी कहते हो. ठीक है, तो कौन से बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप परफॉर्मर रहा है, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विच इज फॉलोड बाय HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक. अब यहाँ पे एनपीए जो डिक्रीज किया है उन्होंने, वो कितना परसेंट है, 0.25%. ठीक है, HDFC बैंक का है 0.27%, देन कोटक महिंद्रा बैंक का इट इज 0.37%. वेयर इज अगर SBI की बात करें, SBI का यहाँ पे 0.67% NPA जो है डिक्रीज किया गया है, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 0.89%. ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है, फर्स्ट थ्री आपको मेन जो है वो पता होने चाहिए. ठीक है, अब इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र दैट मीन्स इन पुणे. ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, ऐसे याद कर लो, हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में. और एमडी एंड सीईओ कौन है, AS राजीव. क्या नाम है इनका, AS राजीव. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ICICI बैंक टू रेज स्टेक इन अ ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी बाय एन एडिशनल डैश परसेंट इन अ नेक्स्ट 16 मंथ एंड मेक ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज इट्स सब्सिडरी. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितना परसेंट एडिशनल स्टेक यहाँ पे रेस किया गया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4% का. ठीक है, अब इसके साथ साथ नोट करना है कि जो संदीप बत्रा है इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक. कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए इन्हें जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है. अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात की, तो हम यहाँ पे सीईओ की बात कर लेते हैं. एट प्रेजेंट इसके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, भार्गव दास गुप्ता. ठीक है, भार्गव दास गुप्ता. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इन दी मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र. ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच अमंग द ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज हैज लॉन्च इंडियाज फास्टेस्ट वन स्टेप UPI पेमेंट सॉल्यूशन, जिसका नाम दिया गया है टर्बो UPI. ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी यहाँ पे पेमेंट सर्विस है, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेजर पे. रेजर पे ने जो है लॉन्च किया है इंडिया का फास्टेस्ट वन स्टेप UPI पेमेंट, टर्बो UPI. अब यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली पहले क्या होता था कि थर्ड पार्टी UPI ऐप के थ्रू पेमेंट यहाँ पे की जाती थी, बट अब इस जो यहाँ पे ये इंडिया का फास्टेस्ट वन स्टेप UPI पेमेंट सॉल्यूशन जो लाया गया है, इससे अब डायरेक्टली जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, रेजर पे के, वो डायरेक्टली UPI पेमेंट करेंगे विदाउट यूजिंग दी थर्ड पार्टी UPI ऐप. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. अब जो ये टर्बो UPI सॉल्यूशन है, ये किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया गया है NPCI के द्वारा अलॉन्ग विद दी एक्सिस बैंक. ठीक है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ मिलके इसे जो है डेवलप किया है टर्बो UPI को. ये चीज क्लियर है. अब रेजर पे जो है, रेजर पे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका बैंगलुरु में. ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, बैंगलुरु कर्नाटका में. ठीक है, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, और इसके एट प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, शशांक कुमार. ठीक है, क्या नाम है, शशांक कुमार. नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज कोलैबोरेटेड विद IBM कंसल्टिंग टू मॉडर्नाइज इट्स बैंकिंग प्लेटफॉर्म. तो इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेशन किए है IBM कंसल्टिंग के साथ, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये कोलैबोरेशन की है ताकि बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है इनका वो मॉडर्न हो सके, मॉडर्नाइज उसे किया जा सके. ठीक है, MD एंड CEO कौन है इसकी, वासुदेवन पतांगी नरसिम्हन, और इसकी टैगलाइन आपकी है, हेयर योर मनी वर्क्स टुवर्ड्स बेटर सोसाइटी. हेयर योर मनी वर्क्स टुवर्ड्स बेटर सोसाइटी. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका चेन्नई. ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, इन चेन्नई,
तमिलनाडु। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंटीग्रेटेड कैंपेन विद अ टैगलाइन लाइफ को बनाओ रिच, विच रिप्रेजेंट्स इट्स कोर फोकस ऑफ बीइंग कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कैंपेन जो है लॉन्च किया है येस बैंक ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसके MD एंड CEO कौन है आपके, इनके नाम क्या है, प्रशांत प्रशांत कुमार, ठीक है। क्या नाम है इनका, प्रशांत कुमार, ठीक है। इसके अलावा येस बैंक ने रिसेंटली जो है अपना न्यू लोगो जो है वो रिलीज किया है, यहाँ पे आप इसके इसे देख सकते हो। पहले आपका कैसा होता था, यस टिक और बैंक, ठीक है, ऐसा करके कुछ लोगो होता था, अब इन्होंने लोगो भी चेंज कर दिया है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन मे हैज लॉन्च द न्यू डेप्ट फंड जिसका नाम है कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी फंड। तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी फंड को लॉन्च किया था इन मंथ ऑफ मे। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है इसके MD एंड CEO जो रिसेंटली जिनका टेन्योर जो है स्टार्ट हुआ है, इनका नाम क्या है, अनुप बागची, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया था, एन एस कनन को इन्होंने रिप्लेस किया था, और इनका टेन्योर 19th ऑफ जून से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है आपका, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद SBI कार्ड एंड NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च अ को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन मंथ ऑफ मे पेटीएम ने SBI कार्ड और NPCI के साथ जो है मिलके को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड को जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेटीएम। नेक्स्ट इज द गोदरेज एग्रोवर्ट रिसेंटली इन मे पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च अ न्यू फाइनेंस ऑफरिंग फॉर द ऑयल पाम फार्मर्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने पार्टनरशिप की थी गोदरेज एग्रोवर्ट के साथ, ताकि यहाँ पे जो आपके ऑयल पाम फार्मर्स हैं, ठीक है, पाम ऑयल फार्मर्स जो बेसिकली हैं, उनको यहाँ पे लोन दिया जा सके, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, या उनका जो फेंसिंग अरेंजमेंट होता है उसको करने के लिए, ट्यूबवेल सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे लोन दिया जा सके, और यहाँ पे ये भी इन्होंने मेंशन किया था, दैट इज 1.64 लाख तक का जो लोन है वो इन्हें विदाउट सिक्योरिटी दिया जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद JCB इंटरनेशनल को लिमिटेड टू ऑफर 40% कैशबैक टू रुपे JCB कार्ड होल्डर ऑन इन स्टोर परचेजेस इन UAE, थाईलैंड, मलेशिया एंड स्पेन। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज NPCI। सो पार्टनरशिप यहाँ पे की गई है विद द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, इन दी मुंबई महाराष्ट्र, और इसके एट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है, दिलीप असवे। क्या नाम है इनका, दिलीप असवे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करना है, जो ये आपका ऑफर है ये आपका स्टार्ट किया गया था 15th ऑफ मे से, एंड ये आपका ऑफर वैलिड है टिल 15th ऑफ अगस्त, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन मे येस बैंक पार्टनर्ड विद विच अमंग द फॉलोइंग टू लॉन्च अ येस पे इजी ऐप फॉर स्मॉल स्केल मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट कार्ड्स एंड डिजिटल पेमेंट्स फॉर देयर कस्टमर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज मास्टर कार्ड और वर्ल्डलाइन इंडिया, इन दोनों के पार्टनरशिप के साथ येस बैंक ने जो है लॉन्च किया था ऐप, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है येस पे इजी ऐप, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अब येस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, एंड इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है प्रशांत कुमार। नाउ नेक्स्ट इज, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन मे पार्टनर्ड विद Active.AI टू इंट्रोड्यूस रेवोल्यूशनरी इंश्योरेंस सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, जिसके आपके MD एंड CEO है भार्गव दास गुप्ता। क्या नाम है इनका, भार्गव दास गुप्ता, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी अगेन मुंबई एंड महाराष्ट्र, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन अप्रैल The All India Bank Employee Association AIBEA plans to set up an online bank clinic to assist bank customers with a grievance readdresser. The AIBEA was incorporated in. So, इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1946 में, ठीक है, 20th अप्रैल 1946 को इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और इसके आपके जनरल सेक्रेटरी कौन है, इनका नाम है CH वेंकटचलम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ डिजिटल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बिटवीन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स एंड सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो टू चेक द डिफॉल्ट्स ऑन लोन अंडर द डिजिटल मैकेनिज्म. अंडर दिस डिजिटल मैकेनिज्म द सीईआईबी विल डिजिटली सेंड अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द बोरोवर्स टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ रुपीज 50 करोड़ और हायर एट अ प्री अप्रूवल स्टेज विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिक्वेस्ट. सो यहाँ पे पहले बैंक रिक्वेस्ट करेगा सीईआईबी को और ये विद इन 15 डेज जो है ये रिपोर्ट आपको दे देंगे. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. अब जो ये डिजिटल मैकेनिज्म है इसका मेन मोटिव क्या है, एक तो पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे जो होती है ठीक है वो हो, इसके अलावा जो हमारा प्रोसेस है वो आपका स्मूथ हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन सारी चीजें होंगी. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके सीईआईबी हैं दैट इज सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके डायरेक्टर जनरल पूछे जा सकते हैं. इनका नाम क्या है, अमित मोहन गोविल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च यूपीआई एसडीके टू इनेबल कस्टमर्स ऑफ अ ऑनलाइन मर्चेंट टू मेक यूपीआई पेमेंट डायरेक्टली. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द पेटीएम. ठीक है, आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर बी. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.